Hi everyone, in this video we will discuss about what is sinus bradycardia, sinus bradycardia के क्या symptom रहते हैं, क्या उसके कारण रहते हैं और कैसे उसको treat करते हैं। Bradycardia दो word से मिलके बना है, brady and cardia। Brady का मतलब होता है slow and cardia means heart। So कुल मिला के slow heart और heart rate less than 60 is called sinus bradycardia। साइनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इम्पल्स जनरेट होती है नेचुरल जो पेस मेकर रहता है जिसको साइनस नोड बोलते हैं और वो इम्पल्स पूरे हार्ट को कॉन्टैक्ट करवाती है। साइनस इम्पल्स के जो फीचर रहते हैं जैसे पी वेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल रहती है, इवरी पी वेव है क्यू आर एस से फॉलोड रहती है और आर आर इंटरवेल और पी आर इंटरवेल कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए इसको साइनस बोलते हैं। और रेट लेस देन 60 रहता है इसलिए साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। मोस्ट ऑफ पर्सन में साइनस ब्रेडिकार्डिया के कोई सिम्टम नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ पर्सनस को जैसे चेस्ट पेन होना, थकान होना या फिर कन्फ्यूज़न होना या चक्कर आना या किसी काम में मन नहीं लगा, कंसंट्रेशन बनाने में डिफ़िकल्टी होना, इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया के कई कोज रहते हैं। सबसे पहले रहता है फिजियोलॉजिकल कोज, जैसे एथलीट है या ड्यूरिंग स्लीप के टाइम पे हार्ट रेट कम रहता है। दूसरा रहता है मेडिसिन और फार्माकोलॉजिकल कोच, जिसमें कुछ मेडिसिन रहते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एमियोडोरोन है, लिथियम है, डिगोक्सिन है, इस तरह की मेडिसिन है जो कि हार्ट रेट को कम करते हैं। तीसरा रहता है पैथोलॉजिकल कोच, जिसमें कार्डियक और नॉन कार्डियक कोच रहते हैं। कार्डियक कोच लाइक इन्फीरियर वाल MI, साइनस नोड ब्लॉक, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वेजोवेगल सिनकोफ, ये सब हैं जो कि साइनस ब्रेडिकार्डिया करवाते हैं। नॉन कार्डियक कोज हैं जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथर्मिया, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, चेगास डिजीज, ऑब्स्टेटिव जॉइंडिस, टाइफॉइड फीवर, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, आई सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, ये कुछ कारण हैं जो कि ब्रेडिकार्डिया करवाते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया को डायग्नोस करने के लिए पल्स रेट काउंट कर सकते हैं या फिर ECG करवा सकते हैं, इन दोनों से अपन पता कर सकते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया के लिए यूजुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि रेट बहुत ज़्यादा कम हो और पेशेंट को सिम्टम हो तो एट्रोपिन यूज कर सकते हैं या फिर मोस्टली बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या रिक्रिएशनल ड्रग हैं उनको अवॉइड करना रहता है। यदि फिर भी सिम्टम है और रेट बहुत ज़्यादा कम है तो पेसिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें टेम्परेरी पेसमेकर या फिर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन भी करना पड़ सकता है। थैंक्स।